जय मंगल, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ वाटर विंग्स की जो आप लोगों की वैकेंसी निकलने वाली थी, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा थी, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बीएसएफ वाटर विंग्स की वैकेंसी निकल चुकी है। इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 27 मार्च 2023 तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 127 टोटल वैकेंसी है, जैसी आप लोग को जानकारी दी गई थी उसी प्रकार से आप लोग की भर्ती आ चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, एसआई मास्टर, हेड कांस्टेबल, इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, वर्कशॉप, सिटी क्रू की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर लास्ट डेट आप लोग की 27 मार्च 2023 रहने वाली। कितनी कितनी वैकेंसी है पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। सिटी क्रू की यहाँ पे आप लोग की 15 वैकेंसी निकल के आ रही, पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। तो जो डिटेल आप लोगों को शॉर्ट नोटिस के माध्यम से दी गई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही। एसआई मास्टर के लिए 10+2 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोग के पास सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंजन ड्राइवर के लिए 10+2 पास आप लोग होने चाहिए, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। एसआई वर्कशॉप के लिए आप लोग बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है मैरीन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह में तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस सारे सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोग पास प्रोसेसिंग सेकंड क्लास आप लोग का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए। इसी प्रकार से सिटी क्रू के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट ऑपरेट करने का ब्लो 265 HP, ठीक है, और डीप वाटर में आप लोगों को स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी आप लोगों को दी गई 27/3/2023 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। सभी पोस्टों के लिए जनरल ओबीसी एससी की एज दी है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस आप लोगों की ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये लगने वाली, यदि आप लोग जनरल ओबीसी कैंडिडेट है। एससी एसटी को कोई फीस यहाँ पे लगने वाली नहीं। सिलेबस यहाँ पे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद आप लोगों का फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह होता है मेडिकल, ठीक है। तो पूरी जानकारी लेते हुए आप लोग नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई, जी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जी हाँ, यहीं से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस प्रकार का पेज आप लोग को ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग 2 तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ बीएसएफ की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन, जी हाँ कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड आई एम नॉट रिबूट पे आप लोग क्लिक करेंगे और नीचे आप लोग लॉगिन क्लिक करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग बीएसएफ की वेबसाइट पर पहले ही पहला फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी उन्हें देता हूं जिन्होंने कि पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो आप लोग का जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप लोग डालिए, जो भी पासवर्ड दिया गया पासवर्ड डालिए, आई एम नॉट रोबोट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हुए आप लोग को नीचे आना है, नीचे आके लॉगिन कर लेंगे। फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉगिन पे आप लोग क्लिक कीजिए, इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग जो डिटेल वगैरह देते रहेंगे। लेकिन यदि आप लोग कुछ अपने चेंजेस करना चाहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अदर डिटेल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग हटाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप लोग चेंज करना चाहते हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेव करते चले जाएंगे आप लोग। और अंत में आप लोग जो है जो भी आप लोग का फॉर्म अप्लाई का लास्ट पेज है यहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे और यहीं से आप लोग के फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि आप लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है अपने रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, पोस्ट वाले पेज से यहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई स्टार्ट कर दीजिए। जी आगे बढ़ते जाइए, जो जो चीज़ें मांगी जा रही है आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते जाइए। तो मैं अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद जैसे ही पोस्ट पर पहुँचते हैं उसकी आगे की जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। तो फ्रंट वाले पेज पर जैसे ही आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है, तो रजिस्टर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे, तो जो भी आप लोग का नाम है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट वो नाम आप लोग दे देंगे, पूरा पूरा नाम आप लोग लिखेंगे। इसके बाद जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देंगे और जो भी ईमेल आईडी है आप लोग ईमेल आईडी देंगे। इसके बाद आप लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आप लोग के जो है मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आप लोग डालेंगे और आप लोग का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद अब आप लोग को नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल आप लोग को देनी है, तो
यहाँ पे आप लोग को आधार कार्ड का जो भी आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और आधार कार्ड का नंबर आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे एक आईडी टाइप आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आईडी टाइप यहाँ पे आधार कार्ड दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और आईडी आप लोग दे सकते हैं। यदि आधार कार्ड दोबारा से सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड आप लोग दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और आधार कार्ड का नंबर आप लोग यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोग की आइडेंटिटी होगी। इसके बाद आप लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी दी जाए तो आप लोग को जन्मतिथि यहाँ पे आप लोग को देनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग का मंथ है, ईयर है वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे आयु आप लोग की यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। नेशनलिटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो इंडियन आप लोग का रहने वाला है। फादर नेम आप लोग सेलेक्ट करेंगे जो भी आप लोग के 10th की सर्टिफिकेट में, मदर नेम आप लोग सेलेक्ट करेंगे जो भी आप लोग के 10th की सर्टिफिकेट में। इसके अलावा आपके शरीर पर कहीं पर कोई जलेगा कटेगा कोई निशान है तो आप लोग लिख देंगे, नहीं है तो नो मार्क आप लोग लिख देंगे। वैसे कोई ना कोई निशान आप लोग का मिलेगा, आप लोग जरूर लिख देंगे, काला दाग, पीला दाग, सफेद दाग, ठीक है। इसके बाद मेल फीमेल जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया। इसके बाद आप लोग को डोमिसाइल डिटेल देनी है। तो डोमिसाइल आप लोग को यहाँ पे यस नो यस यस करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ का है आप लोग को वो सेलेक्ट कर लेंगे और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर जो भी हो आप लोग यहाँ पे दे देंगे। तो इस प्रकार से डोमिसाइल डिटेल आप लोग का हो गया। और इसके बाद आप लोग का कैटेगरी रिजर्वेशन, कैटेगरी रिजर्वेशन की बात की जाए तो आप लोग किस कैटेगरी से, यानी कि रिलीजन क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आप लोग की ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आते हैं आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी अनरिजर्व से आएंगे तो आप लोग को कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो आप लोग को सर्टिफिकेट का नंबर डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी। तो ओबीसी मैंने सेलेक्ट किया है, मैं ओबीसी से आता हूं, तो आप लोग क्या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को यस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ेगा जो कि सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। सर्टिफिकेट जारी करने वाला राज्य कौन है, यानी कि कहाँ से आप लोगों ने सर्टिफिकेट को किससे कहाँ से जारी हुआ है वो स्टेट आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का जो जिला है, जिले का नाम आप लोग दे देंगे। जिले के नाम के बाद आप लोग को वो सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया, डीएम, एसटीएम, एडीएम, जो भी है जिसके भी द्वारा इशू किया गया आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल आप लोग को सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कौन सी है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा किस रूप में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट एंट्री है या फिर ईएसएम या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में या फिर डिपार्टमेंट कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप लोग की डायरेक्ट एंट्री रहेगी, ठीक है। और यदि आप लोग ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप लोग उस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ओपन भर्ती है, डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सब कैटेगरी रिजर्वेशन, तो क्या आप लोग पीएच कैंडिडेट हैं यानी कि विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पे ये नो ही रहेगा आप लोग का, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो रहने देंगे इसे। चलिए इसके बाद आप लोग डिपार्टमेंटल विभागीय कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। यदि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो रहने देंगे। तो ये डिटेल देने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग को जो है यहाँ पे एड्रेस की डिटेल देनी है। पर्सनल डाटा आप लोग का सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग को डिटेल देनी है जो भी आप लोग का परमानेंट एड्रेस, यानी कि मूल निवास का पता आप लोग का क्या है, पूरा पूरा एड्रेस आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, गाँव का नाम, गली वगैरह, ठीक है। वो डिटेल आप लोग देने के बाद पिन कोड आप लोग का कौन सा लगता है वो पिन कोड दे देंगे, किस राज्य है, ठीक है, राज्य का नाम आप लोग दे देंगे और जिला कौन सा है आप लोग जिले का नाम आप लोग दे देंगे। इसके बाद आप लोग को गांव, सिटी, जो भी आप लोग का शहर है उसका नाम देंगे। पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो लिख देंगे। जहाँ पे भी ये स्टार लगा हुआ है वो आप लोग को भरना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोग का हो गया। परमानेंट एड्रेस के बाद आप लोग की कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बारी आती है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ की आप लोग अभी रह रहे हैं, यानी कि मीन्स कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर कहीं और आप लोग रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे देने वाले हैं और दोनों ही सेम है। यहाँ पे आप लोग का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप लोग सेम है, इस पर क्लिक करेंगे ये अपने आप ही आप लोग का भर जाएगा। और यदि सेम नहीं है तो आप लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे और आप लोग को डिटेल देनी पड़ेगी खुद से, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, राज्य क्या है, गाँव क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, सेम है तो आप लोग सेम पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप ही भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का एड्रेस हो गया। इसके बाद आप लोग सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ अदर डिटेल आप लोग को देनी है। तो क्या आप लोग एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग के पास है, तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे। यस करेंगे तो कौन सा सर्टिफिकेट आप लोग के पास है, एनसीसी ए है, बी है, सी है, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि ए है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि आप लोग को लिखनी पड़ेगी और बाकी जो आप लोग का बी और सी है उसको आप लोग को नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग के पास है उसे यस करेंगे और बाकी को आप लोग नो कर देंगे। और यदि नहीं है आप लोग के पास एनसीसी तो इसे आप लोग नो रहने। इसके बाद आप लोग की बारी आती है कि आप लोग के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कुछ स्पोर्ट्स अचीवमेंट वगैरह है आप लोग के पास, स्कूल लेवल गेम, यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट नेशनल गेम वगैरह, तो आप लोग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसे भी नो कर देंगे। चलिए यहाँ से आप लोग की डिटेल होगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को देनी है। जो भी आप लोग की ऊंचाई है ऊंचाई आप लोग लिख देंगे। चेस्ट आप लोग लिख देंगे तो चेस्ट बिना फुलाओ, यानी कि नॉर्मल जो आप लोग का चेस्ट होती है कितनी है यहाँ पे वो लिख देंगे। वजन आप लोग का कितना है वो वजन आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का हो गया। अब इसके बाद बारी आती है आप लोग की ब्लैक लिस्ट का भी। आप लोग को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो यहाँ पे आप लोग यस और नो करेंगे, तो यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पूरी डिटेल देनी है, हाई स्कूल, टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो जो चीज़ें आप लोगों ने कर रखी वो सारी चीज़ें आप लोग को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग टेंथ का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर देंगे जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है, और किस वर्ष में आप लोगों ने किया था वो वर्ष आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, किस राज्य से आप लोगों ने किया है वो राज्य आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें सर्च कर लेंगे, यदि मिलता है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप लोग देख लेंगे स्टेट बोर्ड है या फिर अदर बोर्ड है, CBSE ऐसे जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं मिलता तो आप लोग अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यदि अदर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो CBSE वगैरह जो भी है आप लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे, ऐड करते ही आप लोगों का डाटा नीचे सेव हो जाएगा। तो टेंथ की डिटेल दे दी आप लोगों ने, टेंथ के अलावा आप लोगों ने कुछ और कर रखा है, ट्वेल्थ कर रखा है, तो ट्वेल्थ की डिटेल आप लोग इसी प्रकार से दे देंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस वर्ष किया था, किस राज्य से किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे। ट्वेल्थ के अलावा आप लोगों ने कुछ और कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, ठीक है, कुछ भी कर रखा है, सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर सेलेक्ट करेंगे, किस वर्ष किया था, किस राज्य से किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, ITI वगैरह का रखा है, यानी कि जो जो चीज़ें कर रखी है वो सारी डिटेल देने के बाद अब बारी बारी से इसे ऐड करते जाएंगे, नीचे आप लोगों का सारा डाटा ऐड होता जाएगा। जैसे कि मैंने टेंथ की, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, मैंने तीनों यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल देने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस देनी है। तो वर्क एक्सपीरियंस कुछ है आप लोग के पास तो यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोग अभी आप लोग कार्यरत हैं कि पास्ट में आप लोग कार्यरत थे कि प्रेजेंट में आप लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का किस प्रकार का है, क्लरिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, धोबी है, ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी गई, इंडस्ट्री वगैरह, एम्प्लॉयर टाइप आप लोग किस प्रकार के हैं, सेंट्रल, स्टेट, उत्तराखंड, अदर स्टेट, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, तो इस प्रकार से आप लोग हैं, गवर्नमेंट वगैरह एम्प्लॉय वगैरह हैं, ठीक है, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में, तो ही आप लोग यहाँ पे इसकी डाटा को फिल कर सकते हैं, नहीं है ऐसा कुछ तो आप लोग यहाँ पे नो कीजिए, ठीक है, कुछ भरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप लोग को नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाए वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे, मैंने सारा अपलोड कर रखा है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आप लोग को लग रही है तो उस पर डिलीट पे आप लोग क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करके आप लोग उसे हटा सकते हैं, और यहाँ पे न्यू फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे जो जो चीज़ें आप लोगों से मांगी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोटो आप लोगों का 30 से 100 के बी के बीच में, सिग्नेचर आप लोगों का 20 से 50 के बी के बीच में, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, 30 से 100 के बी के बीच में, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग सभी जो भी चीज़ें मांगी गई हैं सब कुछ अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आप लोग उस पेज पे आ चुके हैं जो पहले जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन किया था वो भी इसी पेज पे आए थे। तो अब सभी को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है आगे का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ऑनलाइन अप्लाई आगे के अप्लाई करने के लिए आप लोग पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं कांस्टेबल क्रू के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने कांस्टेबल क्रू सेलेक्ट कर लिया। तो आप लोग देख लेंगे आप लोग किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया, यानी कि मैट्रिकुलेशन है आप लोग के पास तो यस आप लोग को करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, बिलो 265 HP आप लोग की जो बोट होती है तो यहाँ पे आप लोग को यस करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग स्विमिंग जानते हैं डीप वाटर में विदाउट किसी असिस्टेंट्स के, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को तीनों को यस करना पड़ेगा। जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो जो चीज़ें मांगी जाए आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग फिजिकल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप लोग, तो यदि आप लोग ST हैं तो आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ईस्ट स्टेट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरेटरी, पांडुचेरी, लखीम, दमन, दीव, अंडमान, निकोबार, डोगराज वगैरह आप लोग तो इसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसके अलावा अदर है तो आप लोग इसे सी पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद आप लोग की जो हाइट है, चेस्ट है, वजन है, जो भी था आप लोग का, वो आप लोग का आ चुका है। इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोग को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ मांगी गई थी वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी सर्टिफिकेट रखा होगा आप लोग अपलोड कर देंगे। क्लिक पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी सर्टिफिकेट रखा होगा आप लोग अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग का जो है सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वगैरह कर सकते हैं ऊपर, यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग जो है नीचे एडिट वगैरह कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन दिया हुआ है, सभी सेक्शन में आप लोग एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, सिग्नेचर, फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह पे। नीचे आने के बाद आप लोग को प्लेस भरना है जहाँ से भी आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सेंटर दिया हुआ है, कोई सेंटर आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। केंद्र जो जहाँ पे भी आप लोग एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, अगरतला, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जालंधर, कोलकाता, गांधीनगर वगैरह, तो ये चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग की फीस, कितनी फीस लगेगी उसकी डिटेल वगैरह आप लोग को दे दी गई HDFC। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग एग्री टू पे पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे पेमेंट वाला पेज ओपन होने लगेगा। आप लोग का पेमेंट यहाँ से हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वैलेट वगैरह जिससे करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड का नंबर देंगे, एक्सपायरी डेट वगैरह कार्ड पर लिखा होता है वो दे देंगे, ठीक है, CVC कार्ड के पीछे लिखा होता है। इसके बाद आप लोग मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट यहाँ से आप लोग की हो जाएगी। तो पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी BSF वाटर मीन की, जो आप लोग की वैकेंसी आई हुई है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जांच पर एक यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगता होगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट।